डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एक डिफ्यूज़ हेल्थ केयर सिस्टम होता है ट्रेड हेल्थ केयर सिस्टम होता है जो डिफ्यूज़ हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो उस यह होता है कि आपको जो पेशेंट है वो डरेक्ट स्पेसलिस्ट के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सकता है और जो ट्रेअ सिस्टम है उस डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जैसे प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर एंड केयर Uh, जो पेशेंट जो है एक थ्रू प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी केयर से होता हुआ अगर उसको नीड है तो ट्रश्री केयर में स्पेशलिस्ट के पास जाता है पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ट्रेयर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें पास हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर है सेकेंडरी हेल्थ केयर है एंड द ट्रशरी हेल्थ केयर है सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर सो वट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ़ हेल्थ केयर वेयर पेशेंट्स हैव इनिशियल इंटरेक्शन विद सिस्टम एंड इट प्रोवाइड्स क्योरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज़ इट्स ए इंटरमीडियट लेवल ऑफ़ केयर दैट इज कंसर्न विदिजन ऑफ टेक्निकल थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक सर्विस अगर हम प्रायमरीयर में बात करें तो हमारे पास जो प्राइमरीयर में टू टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स आते हैं एक बेसिक आता है एक रूरल हेल्थ सेंटर्स आता है जो बेसिक्स हैं हमारे पास इन पाकिस्तान वी हैव टोटल फाइव हंड्रेडिकव सिक्स हंड्रेड रूरल हंड्रेड फर्स्ट लेवल फैसलिटीज एंड हंड्रेड थाउजेंड लेडी हेल्थ वर्कर्स ये हमारे पास एक डेटा है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर का है पाकिस्तान के अंदर सो so, जो बेसिक हेल्थ केयर है ये कहाँ पे होता है ये यूनियन लेवल पे होता है और एक एक कैचमेंट एरिया को ये कवर कर रहा होता है हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट है ये आलमोस्ट जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की जो पॉपुलेशन है कैचमेंट उसको कवर कर रहा होता है यह आपको प्रोवाइड कर रहा होता है प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है क्योरेटि सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है एंड रेफरल सर्विस कर रहा होता है मेन ये फर्स्ट कंटेक्ट होता है पेशेंट का हेल्थ केयर वर्कर के साथ अगर हेल्थ केयर वर्कर उसको चेक करेगा उससे कि ये ट्रीटल है तो वहीं पे आपको ट्रीट कर देगा अगर उसको लगता है कि ये पेशेंट जो है इसको स्पेशल केयर चाहिए इसको हायर टाइप ऑफ केयर चाहिए तो आपको रेफ़र कर देता है अगर हायर सेटअप जो कि स्कैनिंग केयर भी हो सकता है और ट्रेशरी केयर भी हो सकता है इसमें आपके पास मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल हैं आपके पास सपोर्ट होती है लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए आपके पास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है आप जो कि आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा होता है और अगर हम आर की बात करते हैं तो आर का जो कैचमेंट एरिया इट्स अबाउट हंड्रेड थाउजेंड पॉपुलेशन पर डिपेंड होता है और ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है प्रिवेंटिव क्यूरेटिव डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और आपको इन पेशेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है टू और आपको सपोर्ट दे रहा होता है आपके बेसिक हेल्थ यूनिट को एल को और मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को भी सपोर्ट दे रहा होता है अच्छा इसमें जो इन पेशेंट सर्विस है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सर्विस नहीं होती है, कुछ आपके सिर्फ मिटन चाइल्ड हेल्थ सर लेडीज सर्विसज होती हैं जो कि आपके रूरल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और कुछ बेसिक लेवल ट्रीटमेंट जो है जो जिसमें आपको हॉस्पिटलेशन चाहिए होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होती है सो इफ़ यू टॉक अबाउट वो तो हम बात करें थे प्राइमरी हेल्थ केयर की सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ द हेल्थ केयर जो कि प्राइमरी के, के बाद सेकेंडरी आता है

सो इफ यू टॉर हॉस्पिटल इट लोकेट एट दहसी पे लोकेट होते हैं ये और ये आपके आलमोस्ट पॉइंट फाइव टू वन मिलियन की पॉपुलेशन को कवर कर रहा होता है एक तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल इसमें टोटली आपके पास ऑलमोस्ट फोर्टी टू सिक्सटी बेड्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्पेशलिटी दे रहे होते हैं जिसमें आपके पास पेजेटिक्स भी है सर्जरी भी है मेडिसिन भी है आपके पास और आपके पास गैनोकोलॉजी ट्रीटमेंट भी वहाँ पे अवेलेबल होती है इट्स प्रोवाइड बेसिक रेफरल एंड कम्प्रीहेंसिव एमरजेंसी एंड ऑप्स एंड न्यू बर्न केयर मीन अगर वहाँ पर डिलीवरी का प्रोसेस भी हो रहा है अगर कोई सेक्शन को डिलीवरी होनी है बाई सेक्शन के थ्रू सर्जन सेक्शन के थ्रू तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है अगर न्यू बर्न को केयर चाहिए नर्सरी तो वहाँ पे वो उसकी भी फैसलिटी आपके पास अवे, अवेलेबल होती है एट तहसील हेडक्वाटर हॉस्पिटल सो इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्टवाटर हॉस्पिटल ये भी हमारे सेकेंडरी हेल्थ केयर में आते हैं जिसको हम डी एच यू कहते हैं हॉस्पिटल और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकेट uh, कर रहे होते हैं और ये आपकी आलमोस्ट जो पॉपुलेशन को कवर कर रहे होते हैं वो आलमोस्ट वन टू थ्री मिलियन पॉपुलेशन जिसको ये कवर कर रहे होते हैं और ये आपको प्रोवाइड uh, कर रहे होते हैं प्रमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव डायग्नोस्टिक इन पेशेंट एंड रेफरल सर्विसेज यानी कि आपके पास ये सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं इन डैट केस अगर किसी पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी केयर चाहिए तो यहाँ से वो रेफरल आपके ट्रश के हेल्थ सिस्टम में भेजते हैं जो कि सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर सारी स्पेशलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं ये हमारा प्राइमरी हे, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जिसे हम टायर सिस्टम भी कहते हैं थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स